33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards, with 650,000 women giving birth in makeshift tarpaulins. More than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood. As we speak, millions of climate migrants are still looking for dry land. Early estimates suggest that more than 13,000 kilometers of metal roads have been damaged, over 370 bridges have been swept away, 1 million homes have been destroyed, and another 1 million damaged. Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया से सैलाब ज़दगान की फौरी मदद की अपील कर दी। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 3.25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीली से एक तिहाई मुल्क ज़ेरे आब है। 40 दिन ऐसा सैलाब आया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। 650 ख़वातीन ने सैलाब में बच्चों को जन्म दिया। इस बहरान के जिम्मेदार हम नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग की कीमत हमारी कौम क्यों अदा कर रही है? वज़ीर-ए-आज़म का आलमी बरादरी से सवाल। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक की मदद की जाए, कर्जों को रीशेड्यूल किया जाए, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहते हैं कि सैलाब से पाकिस्तान में 3.30 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। मुतासरीन को फौरी खुराक की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों का कसूरवार पाकिस्तान नहीं है। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी मौतल करने पर जोर। पाकिस्तान का कर्जा रीशेड्यूल किया जाए, रिलीफ मिलने पर हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकेगी। पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने की भी तजवीज़। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि आलमी इदारों को अपने मसाइल बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जनरल असेंबली इजलास के मौके पर अमरीकी सदर के इस्तकबालिया के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन की मदद की अपील पर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने 7 अक्टूबर से पहले वतन वापसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचेंगे। इसहाक डार की हुकूमत में किरदार पर मुशावरत होगी। मुल्क इस वक्त फितनों के निर्गे में फंसा हुआ है। पंजाब हुकूमत की तब्दीली का फैसला नून लीग को करना है। मौलाना फजलुर रहमान की विहाड़ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए बेहतरीन मशवरे दे रहे हैं। हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे तो इस बार रोकना मुश्किल होगा, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की बढ़त। बोले राणा सनाउल्ला जदीद गोलियां बरसाने की बात करते हैं, मतलब अपने लोगों को गोलियां मारेंगे। ऐसे हालात मकबूजा ममालिक में होते हैं। इसहाक डार पाकिस्तान आकर फिर से वजीर खजाना होंगे, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। अदलिया आइन और कानून के तहत शहरियों को मिले बुनियादी हकूक की जामिन है। आर्टिकल 9 के तहत शहरियों के हकूक का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 9वीं बैनुल अक्वामी जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बहुत तबाही आई है। कॉन्फ्रेंस से अदालती निजाम को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 8% से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। कुकिंग ऑयल, घी, प्याज और टमाटर की कीमतें नीचे आईं। एलपीजी सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हो गया। आटा, चिकन और चाय की कीमतें मजीद बढ़ गईं।
लाहौर में आटा महंगा होने के बावजूद नायाब, शहरी दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे। चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद 4 रुपए किलो महंगा कर दिया। नई कीमत 116 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक की मदद की जाए, कर्जों को रीशेड्यूल किया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहते हैं कि सैलाब से पाकिस्तान में 3,30,00,000 अफराद मुतासर हुए, मुतासरीन को फौरी खुराक की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों का कसूरवार पाकिस्तान नहीं है। अक्वामे मुत्तहिदा का आलमी इदारों से पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी मौतल करने पर जोर, पाकिस्तान का कर्जा रीशेड्यूल किया जाए। रिलीफ मिलने पर हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकेगी। पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने की भी तजवीज़। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि आलमी इदारों को अपने मसाइल बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी सदर के इस्तकबालिया के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन की मदद की अपील पर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 7 अक्टूबर से पहले वतन वापसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचेंगे। इसहाक़ डार की हुकूमत में किरदार पर मुशावरत होगी। मुल्क इस वक्त फितनों के निर्गे में फंसा हुआ है। पंजाब हुकूमत की तब्दीली का फैसला नून लीग को करना है। मौलाना फजलुर रहमान की विहाड़ में मीडिया से गुफ्तगु, कहा आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए बेहतरीन मशवरे दे रहे हैं। हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे तो इस बार रोकना मुश्किल होगा, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की बढ़त। बोले राणा सनाउल्ला जदीद गोलियां बरसाने की बात करते हैं, मतलब अपने लोगों को गोलियां मारेंगे। ऐसे हालात मकबूजा ममालिक में होते हैं। इसहाक़ डार पाकिस्तान आकर फिर से वजीर खजाना होंगे, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। अदलिया आइन और कानून के तहत शहरियों को मिले बुनियादी हकूक की जामिन है। आर्टिकल 9 के तहत शहरियों के हकूक का तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 9वीं बैनुल अक्वामी जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बहुत तबाही आई है। कॉन्फ्रेंस से अदालती निजाम को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 8% से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। कुकिंग ऑयल, घी, प्याज और टमाटर की कीमतें नीचे आईं। एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए सस्ता हो गया। आटा, चिकन और चाय की कीमतें मजीद बढ़ गईं। लाहौर में आटा महंगा होने के बावजूद नायाब, शहरी दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे। चक्की मालिकान ने भी आटा मजीद 4 रुपए किलो महंगा कर दिया। नई कीमत 116 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं।